गाइस हम आपको एक जादू दिखाना चाहते हैं। Standing in the cold, cold rain. So hey guys, what is up? Welcome back to my channel. आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं हमारी वाइपर में ब्रेम्बो किट। ठीक है, मेरे को ब्रेकिंग कम लग रही थी तो मैं थोड़ी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस बढ़ा रहा हूँ इसकी। तो इसमें हम करने वाले हैं ब्रेम्बो किट इंस्टॉल, और अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे इंस्टॉल होएगी। यहीं पे ये थुकी थी, ये फेयरिंग बाहर आई थी, देख लो अभी तक फिक्स तो नहीं हुई। इस पर टाइम नहीं मिल रहा अभी ढंग से फिक्स करने का, ये ऑटो वाले ने जो ठोका था मेरे को। और ये यहाँ पे निशान, ये टूट चुका है, ये भी चेंज होना है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है मैं ये सब काम करवा लूँगा। फ़िलहाल मैं अभी हूँ आरती एक्सप्लोरर के पास, जो कि मेरी ब्रेम्बो किट इंस्टॉल करने वाला है। सो गाइस, ये आ गई अपनी ब्रेम्बो ब्रेकिंग किट। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो भाई यहाँ पे ये ग्रिप निकालनी पड़ी हमें। ठीक है, अगर किसी की निकल जाए तो ठीक है, ईजिली अगर निकल जाती है किसी की तो ठीक है, और अगर नहीं निकलती तो हम लोग को तो ये काटनी पड़ी है। तो हम दूसरी ग्रिप मंगा रहे हैं इसके लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके साथ वो ये है, ये ब्रेक ऑयल बॉश का डॉट 4। ये राउंड हमें मिल गया लगभग 100 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो ये डालना है हमें ब्रेक ऑयल यहाँ पे। बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि ये हमने गैस टाइप का बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फैला पड़ा रहता है सामान वगैरह हमारा। ठीक है, तो ये भाई देख सकते हो हैंडल वेट खोल दिए, ये रहे हैंडल वेट्स निकाल दिए दोनों साइड के। आगे का प्रोसेस अभी चल रहा है क्योंकि ये भी अभी एक बारी के लिए पूरे फ्यूज सेटअप वगैरह ये सब निकलेगा, बटन वगैरह, और इधर का भी ये पूरा निकलेगा, और उसके बाद ये लीवर्स निकलेंगे ये दोनों। हाँ भाई, तो अब सब कुछ खुल चुका है, ये देखो ये हमारे लीवर वीवर सब खुल गए, इधर के स्विचेस खुल चुके हैं, और इधर की खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एस पर आरबी एक्सप्लोरर ये हमारा होता है ऐसे लॉक। ये होता है ऐसे लॉक, तो ये दो खोलोगे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इसी साइड में आते हो तो ये सिर्फ एक नट पे होता है, तो ये आपको पूरा ऐसे निकल के आ जाएगा बाहर, सीधा सीधा ऐसे लगा हुआ होता है। ये नट लूज करोगे उसके बाद यहाँ लीवर का नट लगा होता है, वो हटा दो और इसको ऐसे, और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ खुल गया, अब बस यहाँ पे ये ब्रेक लाइन से इसको पुराने कैन को हटाना है, स्टॉक कैन को, और न्यू कैन फिट करना है, और बाकी पूरी फिटिंग अभी दिखा देंगे। तो गाइस, ये है अपने ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर। मेन डिफरेंस इसमें और उसमें क्या होता है, ये होते हैं हाइड्रोलिक्स। मैं आपको वो निकालूंगा तब आपको एक बार अच्छे से समझाऊंगा इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। बाकी अभी नॉर्मली देख लो, यहाँ नीचे इसमें आपके होल होता है, वहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का मिलेगा लगा हुआ। ये जैसे ही निकालोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा बेंजो बोल्ट के लिए, यहाँ टाइट होगा बेंजो बोल्ट। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे वो चीज़ लगेगी। ओके, और बाकी मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे आपका आता है, इसको हटाओगे तो यहाँ पे पाइप लगेगा, जिसके साथ आप जो आपकी ये कैन है इसमें ऑयल भरा जाएगा, और उस ऑयल को यहाँ तक सप्लाई देने के लिए एक पाइप होगा, वो ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है गाइस, वो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ताकि वो ऑयल गिरे ना, बाकी कुछ ही करना। ये लगाओ, इसको घुमा दो, और जैसे ही घूमेगा आपका ये नट खुल जाएगा और उसमें फिट। तो भाई ये खुल गया है ऑयल कैप, तो ये फ्लूड से बहुत बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये कर देगी पूरी बॉडी को ख़राब। अगर जहाँ गिरा बहुत गंदे निशान पड़ जाएंगे। हम जाओ भाई, राहुल अबे देखो ब्लॉग बन रहे हैं अबे यार। तो ये खुल चुका है, बड़ी सेफली इसको अपनी बाइक से दूर ले जाओ। और ये जो वार्शल होते हैं ये वार्शल संभाल लेना, क्योंकि अगर ये वार्शल आप ढूंढने गए ना तो आपको आपकी तू चुप ना रे, बीच में लड़कियों की तरह बोलोगे ही बोलोगे। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं।
तो गाइस हम आपको एक जादू दिखाना चाहते हैं। ये हमारा ब्लू एलियन है, हम इज्जत से यहाँ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये। सो गाइस अब आ चुके हैं हम मेन पॉइंट पे। आप ब्रेम्बो लोगे तो उसमें आपको ये दो वार्शल मिलेंगे और एक ये बेंजो बोल्ट मिलेगा। तो ये वार्शल जो है आप बीच में देख सकते हो रबड़ है। अब नॉर्मल वार्शल समझ के आप कोई सा भी वार्शल नहीं लगा सकते, ये चीज़ याद रखना। आपका एक वार्शल यहाँ लगेगा, पहले वार्शल लगेगा, फिर जो आपकी ये ब्रेक लाइन आ रही है वो यूँ लगेगी, उसके ऊपर यहाँ पे एक वार्शल और लगा देना, उसके बाद ये बेंजो बोल्ट टाइट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ये टाइट, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, ये अपने आप एडजस्ट होगा और ये यहाँ हो गया, अपना काम हो गया। तो अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जहाँ पे आपको ये पत्ती और इन दोनों को साथ में अटैच करना है। ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे इसको टाइट कर दो और फिर इसको यहाँ पे टाइट करके नट लगा दो और थोड़ा ही आप अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि ये आपका इसमें टच ना हो। बाकी मैं ये सब करता हूँ, इसकी एडजस्टमेंट मैं बाद में करूँगा, वो आपको ठीक है। ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया और ये यहाँ पे लॉक है, ये देख लो, ध्यान से देख लो इसको, यही है वो लॉक जो यहाँ अटकेगा, लग गया। फिर ये पाइप को इसमें ऐसे घुसा दीजिएगा, थोड़ा जान लगानी पड़ेगी आपको, समझना चाहिए, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और ये ऐसे हो गया। तो भाई ये काम हो चुका है काफ़ी हद तक। फिलहाल हम एक साइड का पहले कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरी साइड के भी हमें ग्रिप भी नहीं मिली, क्योंकि ग्रिप हमने काट दी थी इसकी। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे आगे का काम, बट एक साइड का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई ये कंप्लीट हो चुका है, फुली एडजस्टेबल लीवर्स है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसमें ब्रेक फ्लूइड डालने वाले हैं डॉट फोर बॉश का। तो ये आ गया हमारा बॉश का डॉट फोर ब्रेक ऑयल, अभी ये इसमें डालेंगे। अब इसमें बुलबुले फूटेंगे, जैसे स्विमिंग पूल में कभी कभी कोई बंदा कुछ कर देता है। देखो 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 देखो, ये प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, आई एम सॉरी, प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। इफ यू नेवर लुक इन द मिरर, काउंटिंग द डेज अंटिल यू गॉन, वेटिंग फॉर अस टू कैरी ऑन। सो गाइस देख सकते हो मैंने ये नट टाइट कर दिया। अब सेम नट आपको आपके कैलिपर में यहाँ पे दिख रहा है। ये नट खोल के हम क्या कर रहे हैं, जो पुराना ऑयल था वो सारा निकाल के नया ऑयल लगा रहे हैं। तो ये वाला नट खोल के पुराना ऑयल निकालूंगा मैं। अब ये आ गए हमारे सेंसर की वायर्स, ये डायरेक्ट कपलर में लग जाएगी। ये देखो ये आ गई हमारी सेंसर की वायर और ये दोनों डायरेक्ट कपलर में लग जाएगी। इसमें भाई रेड और ब्लैक कलर का सिस्टम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब ऑन करके देखोगे तो पता लगेगा, क्योंकि इधर आपकी रेड ब्लैक है लेकिन इधर आपको रेड ब्लैक नहीं दे रखी। तो वो आप सिर्फ इसके सेंसर की वायर लगाओ और पीछे एक बार लाइट ऑन करके देख लो, आपको पता चलेगा। तो इसमें कोई फुकने वगैरह का डर तो नहीं है ना कि कहीं कोई कर रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मेन पर्पज इसका ब्रेक लाइट है सेंसर का। अब देखो ब्रेक लाइट आपकी ऑन हो गई है, देख लो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ और आपकी यहाँ पे ब्रेक ऑन हो गई है। और इसमें ये चीज़ एक दे रखी होती है, क्या होता है जैसे अब कभी कभी आप हाईवे पे हो तो आपको थोड़ी थोड़ी ब्रेक दबानी पड़ती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे आप जब तक पूरी ब्रेक नहीं दबाओगे तब तक आपकी पीछे की ब्रेक लाइट ऑन नहीं होगी। ये उसके लिए होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है मीडियम और एक होता है जो बिल्कुल ही एंड में जब पूरी ब्रेक दबेगी तब लाइट चलेगी। तो आप इसको तो नॉर्मल रखो, ये वैसे किसी काम की चीज़ नहीं है, ये डाल देते हैं फालतू में, लेकिन अगर आपको यूज़ करना हो तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यूजेबल है जिसका हाँ। हाथ जैसे इस पर और मेन इस लीवर में जैसे क्या फ़ायदा है, जैसे अगर आपकी बाइक इन केस गिर जाती है तो ये ऐसे तो आप अपने हाथ से तो इधर उधर बहुत टाइटली कर पा रहे हो, देखो मैं कर पा रहा हूँ लेकिन बहुत टाइट है। अगर बाई चांस गिरती है तो ये चीज़ मतलब टूटेगी नहीं, ये सीधा ऊपर हो जाएगी, तो ये फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड हो जाएगी तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर बाई चांस ये टूट जाए तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो पूरी ब्रेम्बो लेनी पड़ेगी, तो इसलिए ये फोल्ड हो जाती है। ये देखो तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये लोग हमारा ब्रेक सिर्फ वो साइड बना चुका है, प्रेशर वगैरह हमने सब बना दिया कंप्लीट, तो हमारी जाएगी ये वाली साइड बस। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, प्रेशर भी पूरा प्रॉपर बन चुका है,
जैसी ये लिखो, ये मैंने बाइक थोड़ी सी आगे रखा दी है, ब्रेक दबाई पूरी ब्रेक लगी, और यहाँ से आपको मैं बता चुका हूँ कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, जैसे किसी का टच हुआ है उसको आगे कर सकते हो। ये लीवर एडजस्टमेंट है कि एक तरफ से लीवर जितना आपको एडजस्ट अपने हिसाब से ब्रेकिंग ठीक, बाकी ऐसे एक दो बार कर देना ताकि प्रेशर ड्रॉप हो जाए। अब हम आ गए हैं लेफ्ट साइड में, अब हम क्लच का काम शुरू कर रहे हैं। पहले तो देखो, वैसे तो आप चाहो तो ये आप सिल्वर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्रेम्बो के साथ आपको गोल्डन मिलता है तो जो मिल रहा है वो यूज़ करो। इसको आप पूरा ऐसे सीधे में रखोगे, उसके बाद ये देखो ये इजीली तार पूरी बाहर आ गई, देख रहे हो, और ये बाहर ये हटा के रख दो। हम इसके साथ गोल्डन लगाएंगे जब इसके साथ आया हुआ है तो। तार को थोड़ा सा बाहर निकालो, यहाँ ऐसे ही फिट हुई। अब मेन जो दिक्कत आनी है आपको इसको खींचने में आएगी, ये पूरा खींच के आपको इधर लॉक करना है, तो ये खींचने में अच्छी खासी मेहनत लगेगी। तो बस अब यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर लेना, बाकी एडजस्ट कर सकते हो, फिट कर लो, उसके बाद क्लच कैसा है आपको लूज़ लग रहा है टाइट लग रहा है उसके बाद एडजस्ट करो। तो ये हो गया हमारा क्लच भी लगभग असेंबल, इसके बस ये स्क्रूज है दो, इनको अच्छे से टाइट करना है, और इसे इसके बाद सेंसर की ये वायर निकली हुई है यहाँ पे, और ये कपलर है पुराने वाला, ये भी लग जाएगा। मेन चीज़ आप ये कपलर नहीं काटते, हम कपलर नहीं काटा, जो भी हमने किया लीवर में किया है, लीवर पे किया जो भी किया। तो कोई भी अगर ये इशू लग रहा है किसी को कि आप नई बाइक में लगा रहे हो वारंटी अवॉइड हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सो गाइस ब्रेम्बो किट कम्प्लीट लग चुकी है देखो, ठीक है। अभी मैंने इसका वो भी हटा दिया कवर यहाँ पे ताकि ये दिख जाए, और ये लीवर ठीक है, ये लग चुके हैं, और इधर ब्रेक लीवर पूरा रेडी हो चुका है, ये पहले ही दिखा देता। अभी फ़िलहाल मैं इसको एक राउंड टेस्टिंग पे लेके जाऊंगा कि कैसा ब्रेकिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्या आया है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि कैसी लग रही है चलाने में। तो गाइस हमें ब्रेम्बो किट लगाते लगाते अंधेरा हो गया, तो अब मैं वापसी में घर जाते हुए इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। फिलहाल अभी तक तो बाइट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिला है अभी तक मेरे को, और क्लच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, और तो अभी बाकी अच्छे से एक दो दिन चला के और अच्छा रिव्यू किसी मैं ब्लॉग में डाल दूँ अपने, लेकिन अभी तक का जो रिव्यू मेरा है बहुत ही अमेजिंग है।